हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस बावर्ची। आज हम एक स्वीट बनाएंगे, हैदराबादी स्पेशल लॉज, जिसे हम खजूर भी कहते हैं, मीठे खजूर। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है, 2 कप मैदा ले लीजिए, 1 कप उपमे का रवा ले लीजिए, बारीक रवा, घी ले लें 1/2 कप और शक्कर ले लें 3/4 कप और इसे पाउडर बना लें। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले लें, 2 टीस्पून सौंफ ले लें। जिस क्वांटिटी में हम रवा लेते हैं उसकी डबल क्वांटिटी में मैदा लेना है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, इसका एक डव बना लेंगे, हार्ड डव। सबसे पहले मैं मैदा डाल रही हूँ। रवा डालिए, शुगर पाउडर डालिए, सौंफ ऐड कीजिए और इलायची पाउडर डालिए, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और हम इसमें घी डाल देंगे, प्योर घी, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो घी के बदले कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब अगर घी से बनाएंगे लॉज तो बड़े ही मजेदार और टेस्टी बनते हैं। देखिए, मिक्स करते वक्त ये ध्यान दें कि इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा पानी ऐड करें, 2 टेबलस्पून, और इसे मिक्स करें और इसका डो बना लें। अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को रवे के और मैदे के मिक्सचर को अच्छी तरीके से डो बना लें। देखिए, ये डव बन चुका है। अब हम 10 मिनट इसी तरीके से इसे ढककर सेटिंग के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डव हमारा जो लॉज़ों का डव है वो सेट हो चुका है। अब हम बेलना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। पेड़ों की तरीके से बना लीजिए। अब हम थोड़ा सा सूखा ये जो मैदा है उसे स्प्रेड करके थोड़ा छिनक लेके अब एक मोटी सी रोटी बेलेंगे। आराम से एक रोटी की तरीके से बेलिए। देखिए, इस तरीके से एक थिक रोटी की तरीके से बेल लें। और उसे एक चाकू की मदद से कट कर लें। आराम से, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एक्चुअली ये जो है सो इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही पुरानी रेसिपी है, इफ्तार स्पेशल लॉज है ये, और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। देखिए, इस तरीके से चाहे तो स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से डायमंड शेप में कर सकते हैं। कट कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से बहुत ही जबरदस्त शेप्स में, डायमंड शेप्स में ये जो लॉज जो है सो बन चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये जो है सो दूसरा डव है उसे भी सेम इसी तरीके से बेल लेंगे और डायमंड शेप्स में कट कर लेंगे।
आपके मनचाहे शेप्स में आप कट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर, इस तरीके से डायमंड शेप में कट कर लें। ऑलरेडी मैंने डीप फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर रखें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इन लॉज़ों को फ्राई करेंगे। कंपलसरी मीडियम हीट पर ही इन्हें फ्राई करें। आराम से सारे लॉज़ों को इसमें ट्रांसफर कर दें। ये इजी और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, जरूर आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। इन लॉज़ों को पलटा के फ्राई करना है, लेकिन जल्दी ना पलटाएं, 5 मिनट इसे तेल में तले जाने दें। लाइट ब्राउन कलर आने के बाद दोबारा इसे फ्लिप करके फ्राई करें, वरना ये टूट सकते हैं। देखिए अब आप आहिस्ते से इन्हें फ्लिप करें। कंपलसरी मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तले, ताकि अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरीके से तले जाएं, पक जाएं, कच्चे ना रहें। देखिए ये हमारे खजूर, या हम कहें कि लॉज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बाकी के लॉज भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी स्वीट है और बहुत कम टाइम में बन जाता है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स है। देखिए इसी तरीके से मैं सारे लॉज़ों को फ्राई कर रही हूँ, आहिस्ते से पलटाते हुए फ्राई कर लें, ब्राउन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें, ताकि अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएं। और ये जो लौज़ा है इसको हम कम से कम 2 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये सारे लौज़ जो है सो फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनकी प्लेटिंग करूंगी। बड़े ही खस्ता लॉज बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉज हमारे बड़े ही क्रिस्पी बने हैं। साउंड से पता चल जाता है कि देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, और जो अंदर से जो है उससे बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी तरीके से पक चुके हैं। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।